हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है भाई आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू स्टार गेमिंग चैनल। तो दोस्तों, आज हम फिर से खेलने वाले हैं फार्म सिम्युलेटर 19। और भाई, इस मैप का नाम है कनाडियन प्रोडक्शन मैप और इसका वर्जन है 19। तो मैंने वुड चिप काट ली थी भाई, बड़ी मुश्किल से कटी, क्योंकि इसके अंदर जो बड़ा वाला हेडर है ना वुड चिप का, वो काम नहीं कर रहा। तो भाई मुझे इसमें वुड चिप मिली है 2 लाख और इसके अंदर मिली है भाई 7 लाख। अगर देखें तो इसके अंदर है 7 लाख, लेकिन ट्रॉली काफ़ी बड़ी है, 10 मिलियन की है, तो ये छोटी लग रही है। और पिछली बार मैंने भाई यहाँ पे लगाया था साइलेज बनाने के लिए फर्मेंटर। तो ये है फर्मेंटर, इसके अंदर जाती है, मैंने आपको बताया था पिछली बार, अल्फा अल्फा क्लोवर या ग्रास या शाफ। तो हमें अभी तक साइलेज मिल चुकी है 61,650, तो अपनी काऊ के लिए। और भाई मैंने ये जो ड्रायर लगाया था, इसकी कैपेसिटी बहुत ही कम थी, तो इसकी कैपेसिटी थी घास की और वुड चिप की 1-1 लाख। तो मैंने इनको मॉडिफाई करके कर दिया 2.5 मिलियन, क्योंकि जिसकी जो आउटपुट है हे की, वो है 2.5 मिलियन। तो मैंने सब कुछ 2.5 मिलियन कर दिया है, तो टोटल कैपेसिटी मैंने बढ़ा दी है। तो मैं अब इसको इसमें डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हे ड्रायर के अंदर ये वुड चिप जा नहीं रही, मुझे लगता है अभी हमें घास काटनी पड़ेगी। तो भाई मैंने लगाई थी इधर घास और उधर लगाई है मैंने कॉर्न, आपको पिछली बार दिखाई थी। और आज मुझे अपने जो फील्ड है ना छोटे छोटे यार, ये वाले जो फील्ड हैं छोटे से भाई, इनको मुझे इकट्ठा करना है एक। तो क्या है यार, ये फिर एक बड़ा सा फील्ड हो जाएगा, हम इसमें कुछ खेती कर सकते हैं। ये 2 नंबर फील्ड से भी बड़ा फील्ड बन जाएगा अगर मैं इसको अगर मैं इनको प्लो करके इकट्ठा कर दूं। तो मुझे इनको आप भाई जॉइंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने एक प्लो का मोड लगाया बहुत बढ़िया सा। तो अभी चलते हैं भाई अपने फटाफट इधर हार्वेस्टर के पास। पहले मैं लगाता हूँ कॉर्न पे हेल्पर, तो पहले मैं अपने हेल्परों को सेट कर दूं भाई, उसके बाद मैं कुछ और काम कर सकता हूं। तो यहां पे मैं एक हेडर लेने वाला हूं कॉर्न के लिए, तो कॉर्न हेडर मेरे पास अभी कोई नहीं है, तो कॉर्न के हेडर में चलते हैं और देखते हैं हेडर को बड़ा सा मिल जाए तो। तो भाई अपने पास है ये 36 मीटर का, बाप भाई वाह। तो इसको मैं एक अभी किराए पर ले लेता हूँ, इतना बड़ा है। ओ भाई कहाँ, अच्छा इधर आ गया। तो 36 मीटर के साथ इसको काट देते हैं अपनी कॉर्न को। तो पहले मैं सोच रहा था कॉर्न की चाफ बना दूं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है चाफ का। तो चाफ तो मैंने डाली हुई है बहुत सारी, 3.5 लाख, तो उसकी साइलेज मिल जाएगी हमें, तो वो खिला देंगे अपनी काऊ को। तो भाई पहले मैं अपनी कॉर्न के ऊपर लगा देता हूँ जरा इस भाई को, और फिर अपना काम दूसरा शुरू करते हैं। चल भाई पीछे ज़रा थोड़ा सा। तो ये बहुत बड़ा है, ये खेत 5 मिनट में ही काट देगा भाई। सुपर मोड है ये, सुपर मोड 36 मीटर का। खोलते हैं इसको, देखो भाई ये एक ही बहुत है, 2 लगाने की 3 भाई, 4-5 हार्वेस्टर लगाने की जगह इसको एक को लगा दो, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का। लो भाई इसको काटते हैं यहाँ पे, ये ओके। तो यहाँ लगा देते हेल्पर को, जल्दी से काट देगा हेल्पर। ठीक है भाई, इसको हो गया इसका काम शुरू। अब चलते हैं भाई घास के ऊपर। तो घास के लिए मुझे एक ट्रैक्टर चाहिए, जो ये वाला, तो यही ट्रैक्टर सही है, तो इसको ले लेते हैं। घास इससे कटेगी क्योंकि इसके आगे और पीछे हिच लगी है, मुझे वो चाहिए ट्रैक्टर जिसके आगे पीछे कुंडे लगे हों, यानी हिच लगी है उठाने के लिए। ठीक है भाई ओके। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ भाई बिल्कुल ही ब्रांड न्यू मोड, जो कि घास काटेगा भी और भाई घास को उठाएगा भी, सॉरी उठाएगा नहीं, घास की ढेरी भी लगाएगा, यानी कि हमें विंड रोड चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो मैं काटता था मोवर के साथ, लेकिन अब मैं काटूंगा इन मोवर के साथ, तो ये काटेंगे भी और इकट्ठा भी करेंगे उसको। तो इसको मैं लेता हूँ किराए पर, अभी पैसे अपने पास हैं काफ़ी सारे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लगेगा भाई पीछे, ये है 10 मीटर का, तो किराया इनका ज़्यादा नहीं है, बहुत कम, ठीक ठीक ही है। तो इसके लिए ट्रैक्टर चाहिए ऐसा जिसके पीछे भाई ये लग सके। तो पहले मैं लगा लेता हूँ पीछे वाला, क्योंकि अब इसका मुंह इधर कोई है, इसको कर लेते हैं भाई अटैच। तो घास हमें काफ़ी सारी मिल जाएगी, जिससे कि हमारी हे बन जाएगी और चाप भी बन सक, वो उसकी साइलेज भी बन सकती है, तो मैंने घास लगा दी इसलिए। तो घास कटने के बाद मैं यहाँ पर लगाऊँगा ओट अपने घोड़ों के लिए। लो भैया आ गए दोनों मोवर, और ये DLC के साथ आते हैं, अगर आप इनको ढूंढोगे मोड को सर्च करोगे तो मिलेंगे नहीं। वैसे ऐसे और भी मोड आते हैं कई, तो वो आपको मिल सकते हैं। तो ट्रैक्टर भाई अपना थोड़ा हल्का है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कंपनी में केस का ट्रैक्टर हमें दिया भाई फ्री के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखो खेत अपना है भाई यहाँ तक, और बाहर भी घास लगी है वैसे तो, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही, तो हेल्पर खेत के बाहर काम नहीं करेगा, तो हेल्पर को लगाना पड़ेगा खेत के अंदर।
तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं जी से और एक्स से खोल लेते हैं इसको पीछे वाले को। तो पहले हमें क्या करता था, विंड रोड चला के घास को ढेरी बनानी पड़ती थी, लेकिन अब ढेरी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको ऐसे ही उठाएंगे, ये ऐसे ही काटेगा, ये देखो, ये देख रहे नीचे, और लगाते हैं इसको, करते हैं ऑन, हेल्पर लगा देते हैं यहाँ पर भी। तो बस इसको नीचे करके वी से और बी से ऑन करना है डाउन, ये देखो, एक सेकेंड लगता, एक मिनट। तो इनकी इसमें ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन भी है देखो, तो इसको एक मिनट यार, कहाँ गई रहे ऑप्शन, इसको वी से डाउन करना और एक्स, एक मिनट यार, ये नीचे हो, नीचे की ऑप्शन है इसमें, एक सेकेंड यार, ये नीचे क्यों नहीं हो रहा, वी एक्स, एक्स से फोल्ड, हाँ लेफ्ट कंट्रोल वाई से, हाँ भाई ये ऑन ऑन करना भूल गया था मैं, मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया इसलिए पहली बार ट्राई किया है तो गड़बड़ हो गई। अब लगाते हैं हेल्पर, तो अब ये देखो, हाँ अब सही है। तो लेफ्ट कंट्रोल आई से ऑप्शन आ रही थी, उसको मैंने लगाया नहीं था, तो ये क्या होगा कि अब ये अपने आप ढेरी लगाएगा। तो मैं भी सोचूं यार ये लगा क्यों नहीं रहा भाई। तो अब ऐसे मोवर आ चुके हैं कि हमें विंड रोड चलाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारी लेबर बचेगी, तेल बचेगा भाई, मेहनत बचेगी। तो चलो ये काट देगा इसको, हम बाद में देखेंगे, अभी चलते हैं भाई एक बार इसके पास, देखते हैं भाई। ओ भाई इसने तो काट भी दी। लो भाई कौन, बस इतनी सी मिली, अबे भाई कौन तो बहुत ही कम मिली है यार। चलो एक काम करते हैं, इसको ले चलते हैं, और कौन। ओ भाई मेरे, तो कौन तो मिली है, 1,00,000 भी नहीं मिली भाई, ये तो बहुत ही कम मिली है। तो चलो एक काम करते हैं, इसको अभी यहाँ पे खड़ा करता हूँ मैं, और इसका पाइप निकाल देता हूँ बाहर। बस कहाँ जा रहा है। तो अब चलते हैं भाई, वो ढाली वाल की ट्रॉली लेके आते हैं, और अपना अर्जुन खड़ा हुआ यहाँ पे, अर्जुन पावर। तो इसके साथ भाई कोई और ट्रैक्टर लगाऊंगा तो यार वो क्या करेगा। ट्रैक्टर खड़ा हो जाएगा, जैसे आपने देखा था कल फेंडर का ट्रैक्टर भी भाई खड़ा हो गया, इतना हैवी ट्रैक्टर था, लेकिन इस ट्रॉली ने भाई उसको भी खड़ा होने पे मजबूर कर दिया। तो इस ट्रॉली में बस यही दिक्कत है थोड़ी सी, ये इसके बाहर से कोई चीज़ है, ये फंसती है, तो थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा। तो अभी मैंने कुछ नहीं करा इसके साथ, तो जैसी है वैसी है। और भाई इसके अंदर देखो तेल का एक जेरिकैन और भाई एक आग बुझाने का वो भी लगा इंस्ट्रूमेंट, ताकि भाई कभी आग वगैरह लग जाए तो हम बुझा सकें। तो देखते हैं ये भाई लग जाएगी इसके नीचे, ये अड़ेगी। ओह चलो ठीक है, लाल भाई ये क्या हुआ, ये कौन क्यों नहीं डाल रहा भाई, इस ट्रॉली में कौन नहीं आएगी क्या। अरे यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, एक मिनट शायद कुछ गड़बड़ है। चल भाई पीछे तो चल, अब डाल रहा है, एक मिनट। ओह तो ट्रॉली में थोड़ी सी दिक्कत है, बीच में नहीं डाल रहा, बाहर डाल दी। चलो तो अभी इसको हार्वेस्टर को यहीं पे रहने देता हूँ मैं, बाद में सेट कर दूंगा इसको, क्योंकि अभी टाइम ख़राब होगा मेरा। तो कौन जब तक कट रही है यार, एक मैं एक काम करता हूँ ना, कौन बेचने जाने से पहले, तो भाई वुड चिप तो अभी मैं यहीं पे रहने दूंगा, वुड चिप उसके अंदर अभी जा नहीं रही, मुझे लगता है उसके अंदर पहले घास डालनी पड़ेगी तब जाके वुड चिप जाएगी। तो एक काम करते हैं, स्वराज को ले चलते हैं, और स्वराज से माल, अगर स्वराज से कॉर्न बेचने जाऊंगा तो भाई कॉर्न ये खड़ा हो जाएगा रास्ते में, तो तो एक काम करता हूँ मैं ओट लगा देता हूँ यहाँ पर मैं कहाँ गया रे, मेरा प्लांटर, तो ये प्लांटर देखता हूँ, ओट, ये प्लांटर है यार, सीडर भी है, मिक्स है ये दोनों, देखता हूँ ये ओट लगा देगा, तो इससे ओट लगा देते हैं, एक मिनट पीछे करते हैं इसको और इसमें दबाते हैं, तो ये लगा रहा है क्या, वीट बार्ली ओट, ठीक है भाई ओट लगा रहा है ये, तो इस खेत पे ओट लगा देता हूँ, वहाँ पे कुछ और फसल लगा दूँगा, तो वहाँ पे सोच रहा हूँ चावल लगा दूँ, तो अगली बार फिर चावल काट लेंगे अपने। तो भाई इसको ज़रा घुमाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बड़ा यार ये भी, एक सेकेंड खोल के देखना पड़ेगा कितना बड़ा है, एक मिनट पीछे करता हूँ यार, भाई गलत ही ले आया मैं, दोबारा घुमाना पड़ेगा भाई, बहुत बड़े बड़े टूल हैं, इनसे काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये
ओट लगाने में कितनी देर लगाएगा भाई? मुझे लगता है 5 मिनट में लगा देगा ये, तो ये फर्टिलाइज भी कर देगा और भाई लगा भी देगा, यानी कि सीड कर देगा। तो देखता हूँ अभी भाई, इतना बड़ा है कि कैमरे में समा नहीं रहा, देखो थोड़ा सा इधर को करना पड़ेगा, एक मिनट। तो यार हमने पैसा भी कमाना है, कनाडा में धूम मचानी है खूब पैसा कमा कमा के, और अपने भाई पशुओं के लिए भी खाना पीना उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब देखता हूँ, हाँ भाई अब आ गया, सेट हो गया। तो थोड़ा सा पीछे करते हैं इसको सीधा करके, और भाई बी वी से इसको करते हैं ऑन और वी से करते हैं डाउन, और भाई 3 दबा देंगे। देखो ये कल्टीवेट भी करता है भाई, बहुत बढ़िया है ये मोड। लो भाई ये लगे भाई अपनी ओट, ठीक है भाई ओट लगने लगी अपनी। अब चलते हैं अपने ट्रैक्टर के अंदर। ओह ये तो भाई हार्वेस्टर में आ गया मैं, तो कॉर्न बेच के आता हूँ। मेरे पास अभी पैसे 2.2 मिलियन डॉलर है, मुझे अभी इसमें और पैसे कमाने हैं। तो जल्दी से देखता हूँ मैं भाई कॉर्न अपनी एरी। ओ भाई 975 पर रेट, यार बहुत ही बढ़िया रेट मिल रहा है। ट्रेन स्टेशन पैसिफिक, ये शायद उधर था यार। एक तो रात को नज़र आते हैं ये, दिन में नज़र भी नहीं आती। अरे कहाँ है वो रहा? अरे यार ये तो बहुत पास है, अरे तो अपने फार्म के सामने ही है। चल भाई मेरे अर्जुन खींच दे कंडा। तो ये भी अपना अर्जुन, और इसका हॉर्न कैसा था? ड्रॉट वाला है क्या? एक मिनट यार मुझे सुन क्यों नहीं रहा, हेडफोन की आवाज़ कम क्यों? एक सेकंड, हाँ इसमें हुआ। ओके चल भाई धालीवाल, तो ये ट्रॉली बनाई थी भाई धालीवाल गेमिंग भाई ने, और मेरे को बना के भेजी थी रिव्यू के लिए, और मैंने इसको रख लिया, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये अर्जुन की स्पीड भाई, ये ओरिजिनल ट्रॉली है इसलिए अर्जुन की स्पीड इतनी है, यानी कि खींच नहीं पा रहा, देख रहे हो। तो मेरे पास जो ट्रॉली है वो मॉडिफाई है, इसलिए ट्रैक्टर तेज चलते हैं, लेकिन इससे चल रहा है थोड़ा स्लो। अच्छा सामने बिकेगी भाई, चलो जल्दी चल के भेज देते हैं। और इसके अंदर भाई इसके इंडिकेटर जरा ऑन कर लेंगे। वूफर नहीं ऑन होते क्या इसके? अच्छा इसके अंदर वूफर ऑन नहीं होते भाई। अरे तो यार लाइटें नीचे लगी तो हैं, हाँ तो रात को आता है इसका नज़ारा, दिन में नहीं आता। तो भाई सामने इसको बेच के आते हैं जल्दी से, और अभी मुझे खेतों को मिलाना भी है, तो खेतों को मिला के मैं सोच रहा हूँ चावल लगा दिया जाए वहाँ पे। ओ भाई इधर ही चलो भाई, आ गए हम ट्रॉली लेके अपनी। तो ट्रॉली भाई बहुत ही बड़े साइज की है, और अगर ऐसे देखें तो नज़र भी नहीं आती। तो ये थड़ा सा बनाया हुआ है भाई, किस चीज़ का है ये? ओ यार इसके नीचे ट्रॉली चली भी जाएगी मेरी? अच्छा एक मिनट भाई, देखता हूँ चली जाएगी कि नहीं, चली तो जानी चाहिए यार। एक मिनट, थोड़ी सी उधर को लेनी पड़ेगी इस ट्रॉली के नीचे, तो छोटी ट्रॉली लानी पड़ेगी मेरे को लगता, इस ट्रॉली के साथ जाएगा नहीं। घुस गई भाई। एक मिनट, देख रहे हो कहीं पे कुछ टच नहीं है, लेकिन ट्रॉली उसको आगे नहीं जाने दे रही। चल भाई चल पीछे कर, अब बहुत मुश्किल से पीछे आगे हो रही है। चलो यार अपनी कौन तो बेचें पहले, देखते हैं कौन कैसे बिकेगी यहाँ पे। ये अभी अपनी ट्रॉली पॉइंट के ऊपर आ तो गई, और ये रही भाई अपने मक्की के दाने। लो भाई कौन जा रही है भाई, पैसे बढ़ गए अपने। लो तो 1000 के आसपास रेट था, तो उतने की बिकी। निकालता हूँ यार इसको एक मिनट यहाँ से। अच्छा तो ट्रॉली फंस रही थी शायद वजन की वजह से ज़्यादा। चलो भाई अर्जुन को निकालते हैं वापस ले चलते हैं, और अपना काम हो चुका। और कौन अपनी बिक गई आज कौन? यार ये खेत तो बहुत ही छोटा है लगता, और बड़े बड़े खेत लेके भाई बड़ी बड़ी फार्मिंग करनी पड़ेगी, तभी जाकर कुछ पैसे मिल आएंगे, तो खेत बढ़ाने पड़ेंगे अभी। चलो देखते हैं आने वाले टाइम में कुछ पैसा और आएगा तो बड़े बड़े खेत लेके फिर उन पर करेंगे फार्मिंग। तो इसमें जो भाई शेड लगा रखे हैं ना भाई ने, ये इतने मज़ेदार नहीं, मतलब शेड वो चाहिए भाई इधर से अपना ट्रैक्टर लाओ ट्रॉली लाओ खड़ी करो और दूसरी तरफ से निकाल के ले जाओ, लेकिन ये बंद है। तो वैसे तो ठीक है अच्छे हैं, लेकिन इसमें यही प्रॉब्लम भी छोटे बड़े हैं। चलो ट्रॉली को मैं अभी खड़ा करता हूँ यहाँ पे। तो भाई मैं अभी अपना काम देख रहा हूँ, बाद में करूँगा सारा, तो इसको अभी यहीं पे लगा देते हैं। तो ट्रैक्टर मेरे को चाहिए अभी, ट्रैक्टर को ले चलता हूँ, और यहाँ पर देखते हैं भाई ने क्या काम कर दिया, भाई कितनी काट दी। तो भाई ने यहाँ पर अभी लगा दी है हमारी 5 ढेरी, तो कितना खेत बचा भाई अभी देख लेते हैं इससे। तो ये देखो ऐसे दिखाता नहीं है, घास के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा।
घास दिखाता नहीं है, एक वैसे पता लग जाएगा हार्वेस्टिंग कितनी हो गई, नहीं तो घास का कोई आइडिया नहीं है। लवली बाजी काट रहे हैं और यहाँ बोबी भाई ने लगा भी दी, चलो वाह भाई वाह, ओट लग गई, लो भाई आखिरी लगा रहा। तो अब खेतों को मिलाना है, खेतों को मैं बाद में मिलाऊंगा, पहले मैं चलता हूँ एक बार वापस अपने ट्रैक्टर पे। तो भाई इसको उठाना भी तो है, इस घास को उठा के मुझे उस हेयर ड्रायर के अंदर डालना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अपने भाई ट्रेलर में चलते हैं पहले। तो यहाँ पे अपने पास थी ट्रॉली बहुत ही बढ़िया वाली, इसकी कैपेसिटी कितनी है देखता हूँ, 1,00,000 इसकी है, 50,000। तो मुझे कैपेसिटी बढ़ानी थी इसकी, मैं भूल गया, ध्यान नहीं रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं, 1,00,000 कैपेसिटी है, इसको लेता हूँ अभी मैं किराए पे। एक कितने की है यार, 12,000 की तो है, इसको खरीद लेते हैं यार। और भाई अपना लाता है तूड़ी वाली ट्रॉली यानी रीपर, उससे मैं उस घास को इकट्ठा करने वाला हूँ अभी। तो रीपर मेरा कहाँ था, ट्रैक्टर के अंदर था, तो बिल्कुल एंड में था शायद, तो कहाँ गया रे? ये रहा। तो ये अभी महिंद्रा रीपर, और इससे उठाते हैं हम अपनी। तो ये अगर देखें तो ये चाह भी उठा सकता है, और स्ट्रॉ और घास है यानी ग्रास है, और भाई साइलेज ये सब कुछ कलेक्ट कर सकता है। तो इसको लेते हैं भाई, एक भाई कर लेते हैं यार, बार बार जरूरत तो पड़ेगी। तो वैसे तो मेरे पास एक ट्रॉली भी खड़ी है, लेकिन मैं अब उसका इस्तेमाल नहीं करने वाला, मैं भाई अब करूँगा पंजाबी तरीके से काम, अपने पंजाब वाला काम। लो भाई आनु लाने होने दे मगर, और अपनी घास इकट्ठी करते हैं जल्दी जल्दी। तो कनाडा में लेके आए भाई हम पहली बार तूड़ी वाला रीपर। बस 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 ओके, चल भाई ले आ गए। तो इसको लगाते हैं एक बार और ले चल थोड़ा पीछे, ट्रॉली को कनेक्ट करते हैं इसके साथ, और ये हो गई ट्रॉली अपनी कनेक्ट, नहीं भाई हो गई, लो थोड़ा आगे कर देते हैं यार। ओके भाई, तो लोग भी देखने आएंगे दूर दूर से कि भाई देखो कैसा रीपर आया हिंदुस्तान से कनाडा के अंदर। और पाइप खोल लेते हैं इसका जल्दी से, एक मिनट जी दबा के इसको सेट कर लेंगे। ये गया भाई पाइप इसके अंदर, ये लो ट्रॉली के अंदर पाइप हो गया फिट। अब चलते हैं अपनी घास की तरफ, वैसे इसमें हेल्पर भी लग जाता है अब, तो ये अच्छी बात हो गई। तो इसकी कैपेसिटी बढ़ानी थी, मेरे को ध्यान आ रहा था कि यार कुछ करना तो है काम, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आया। मैंने उसकी कैपेसिटी तो बढ़ा दी हेयर ड्रायर की, लेकिन यार इसकी कैपेसिटी बढ़ाना मैं भूल गया, चलो अगली बार ज़्यादा कर देंगे। और अपना भाई लगा हुआ है काटने, और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर अपने को, चल भाई ओके। इसकी कैपेसिटी मुझे करनी थी 5,00,000, तो सही रहता। तो इसको करते हैं भाई एक्से अनफोल्ड पहले, और बी से अनफोल्ड कर दिया भाई, लो भाई हो गया चालू, लो भाई अपनी ग्रास इकट्ठी होने लगी। तो हे नहीं मैं बनाऊंगा, हे मैं बनाऊंगा उस मशीन से, हे ड्रायर से। तो घास बहुत काम आती है भाई इसकी, हम कुछ भी बना सकते हैं इससे, इससे हम चाप बना सकते हैं, साइलेज बना सकते हैं घास से, और इसकी बेल बना के साइलेज वाली बेल बना सकते हैं। तो इसकी कैपेसिटी यार 1,00,000 है, चलो कोई दिक्कत नहीं, 1,00,000 भी बहुत होती है, कम नहीं होती भाई। तो ये अभी तूड़ी वाली मशीन रीपर, आपने इसका वीडियो देखा ही होगा, नहीं देखा तो भाई जाके मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जाकर देख लो। तो पहली बार आई थी हमारे पास, और देखते हैं एक बार घास अंदर अपनी इकट्ठी होने लगी, लो भाई पाइप से अंदर घास इकट्ठी हो रही, अभी फुल नहीं हुई, अभी तो एक इतनी हुई। तो इसके ऊपर हेल्पर लगा देता हूँ, देखो इस पर हेल्पर भी काम करता है ना, मज़ेदार चीज़। लेकिन हेल्पर इसमें क्या काम करता है, अगर मैंने टेढ़ा लगा दिया तो फिर भाई वो टेढ़ा ही टेढ़ा जाएगा। एक मिनट यार, गेम की आवाज़ मुझे लगती है थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, थोड़ी सी कम कर देता हूँ हल्की सी। तो किसी किसी गेम की आवाज़ यार स्लो होती है, किसी की तेज़ होती है, तो अलग अलग सिस्टम है, और देखते हैं। और ये ढेरी लग गई ना अपने आप, देखो मुझे विंडरोज की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ये भाई तूड़ी वाली मशीन इन कनाडा, धूम मचा दो, धूम मचा दे कनाडा में। तो थोड़ा सा ट्रैक्टर टेढ़ा चल रहा है, लेकिन चल सीधा रहा है। एक मिनट हेल्पर को हटाते हैं भाई, हेल्पर टेढ़ा टेढ़ा लेके जा रहा है, खुद ही काम करते हैं। इसको ऑन करते हैं दोबारा से बीवी से, आ जा भी अर्जुन, ट्रैक्टर को पहले एक बार सीधा कर लेते ना, बिल्कुल फिर लगाऊंगा हेल्पर को, अभी नहीं। ये क्या हुआ, ओ भाई एक मिनट, लगता है ऑन हो गया बी से, लेकिन डाउन नहीं किया, ऑन कर दिया लेकिन उसको डाउन नहीं किया, भूल गया, भूल नहीं यार, दबाया था बटन, कई बार
होता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक बार वापस ले चलते हैं इसके ऊपर, यहाँ पर सीधा सीधा। अरे भाई टेढ़ा क्यों हो रहा तू इतना, तो सेंसिटिव है भाई बहुत ही। और इसको करते हैं भाई डाउन वी से, अब हुआ डाउन। तो डाउन करना बहुत ज़रूरी है भाई, डाउन नहीं करेंगे तो उठाएगा कैसे। अब हो गए कलेक्ट। तो हेल्पर को जैसे हटाओ, हेल्पर भाई काम करना बंद कर देते हैं, मशीन को बंद कर देते हैं वो। तो भाई हम, मुझे लग रहा है बहुत सारी घास मिल जाएगी मेरे को, दोबारा ज़िंदगी में कभी हे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस ट्रॉली को फुल करके एक बार डाल देते हैं, उसके बाद वुड चिप डाल के देखता हूँ। वुड चिप डल जाएगी तो मेरी हे बन जाएगी। तो दो तीन दिन आगे हो गए थे, कॉर्न को पकने में टाइम लगता है, घास को उगने में भी टाइम लगता है, तो दो दिन आगे हो गए शायद, इसीलिए घोड़ों का और गाय का खाना पीना भी कम हो गया। ये दरअसल रीपर की भाई आवाज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भाई इतनी तगड़ी मशीन चलती है। तो जैसे ही मैं इसको बंद कर दूँगा, देखो कितनी कम आवाज़ होगी, तो इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है। चलो भाई अब करते हैं इसको सीधा। तो एक लाइन में मेरे को मिल चुकी है 46,000। भाई देखो कितनी घास मिलने वाली है आज हमें, इतनी घास मिलेगी कि जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। तो इसको एक बार कर देता हूँ सीधा थोड़ा सा, और यहाँ लगाता हूँ हेल्पर। ठीक है चल भाई उठा, देखता हूँ हेल्पर सीधा काम करता है टेढ़ा करता है क्या करता है। ये क्या कर रहा है? ओ, ओ, ओ अच्छा 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 अच्छा। तो क्या है कि हेल्पर को जैसे मैं मशीन दूंगा भाई, वो वैसे ही काम करेगा। एक मिनट, डाउन नहीं हुई, डाउन क्यों नहीं हो रही? एक सेकेंड भाई, ओह एक मिनट भाई, सिलेक्ट नहीं थी इसलिए डाउन नहीं हो रही। हेल्पर को भी समझ नहीं आया लेकिन मुझे आ गया। हाँ डाउन नहीं थी। अच्छा अब अगर हेल्पर को देंगे तो देखते हैं वो काम करता है। एक मिनट, अब बिल्कुल सीधा सीधा लगाते हैं। अब काम कर रहा है, गुड गुड। तो लड़की आई है भाई, लड़की काट रही है लो भाई तोड़े वाली मशीन, तो कहते सी बना लेना, लो बनाती है। फिर कहना ना मैं तुम्हें दिखाई नहीं आया, देखो भाजी ने बनाया मोड बड़ा शानदार। पंजाब की भाई अपने महिंद्रा रीपर, महिंद्रा स्ट्रॉ रीपर, देखो गरारियाँ गुरारियाँ भाई फर्स्ट क्लास काम कर रही है। और अंदर भाई अपनी घास, ये देख रहे कैसे भाई पाइप से आ रही है, इकट्ठी होती जा रही है। और पीछे लिखा भाई नो फार्मर्स नो फूड, किसान अते मजदूर एकता जिंदाबाद। और इतने लिखा भाई स्टार। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको फुल करके ना 1,00,000, और इसको डाल देता हूँ फटाफट से, क्योंकि भाई इतनी सारी घास को डालने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैं अब मैंने इसको ख़रीद लिया है, अगली बार इसकी कैपेसिटी बढ़ा देंगे तो इससे हम 5,00,000 घास, 5,00,000 स्ट्रॉ कुछ भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो साइलेज भी इकट्ठा कर सकती है ये, लेकिन साइलेज को मतलब साइलेज पड़ी होनी चाहिए तब। अगर साइलेज तो होती है यानी कि उसके अंदर, तो इकट्ठा साइलेज को इकट्ठा करने के लिए या तो बंकर साइलों में इसको लेके जाना पड़ेगा मशीन को, लेकिन वो ये मशीन वहाँ पर जाके फंस सकती है क्योंकि वो ऊँचा ढेर होता है। या तो नीचे नीचे हो तो ये मशीन उठा लेगी। चलो इसका साइलेज का भी टेस्ट करेंगे बाद में, साइलेज उठाती है नहीं उठाती, तो उठाएगी तो कैसे उठाएगी वो बाद में देखेंगे। तो भाई देखो कितना लंबा खेत है भाई ये, और इसका भाई का काम हो गया। चलो इसको अभी हटाते हैं, पहले मैं ज़रा एक बार घास इकट्ठी कर लूँ 1,00,000, और फिर इसको डाल दूँ उसके अंदर। और ओट अगली बार काट के ना मैं अपने घोड़े को खिला दूँगा और बाकी डाल दूँगा साइलों में। तो यार अपने घोड़े भी तगड़े हो जाएंगे, 8,00,000 के बिकेंगे भाई। तो सोच रहे हैं घोड़े के 2-4 अस्तबल लगा लें और घोड़े घोड़े पाल लें। 10 अस्तबल लगा लेते हैं और 10 जगह घोड़े पाल लेते हैं। तो जब घोड़े तगड़े हो जाएंगे तो भाई 8 मिलियन के बिकेंगे, 8 मिलियन के। तो यार कितना पैसा आएगा, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का। लो भाई देखो महिंद्रा स्ट्रॉ रीपर, घास इकट्ठी हो रही है अपनी। अभी मैंने इससे हे नहीं उठाई, तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी घास रहेगी, इसको भी उठा लेते हैं यार, ख़राब नहीं करेंगे कुछ भी, इतनी मेहनत से लगाई थी। अब हेल्पर देखते हैं क्या काम करते हैं, हेल्पर रुक जाता है कि नहीं। अच्छा अच्छा हेल्पर को टेस्ट करते हैं एक बार, हेल्पर क्या करता है। तो हेल्पर जा रहा है दूसरी लाइन के अंदर। अच्छा अच्छा, तो मतलब इस पर हेल्पर भी फर्स्ट क्लास काम कर रहा है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हेल्पर को मशीन ऑन करके देनी पड़ेगी, देखता हूँ। अबे कहाँ जा रहे भाई, अबे तो ये नज़र नहीं आ रहा। अच्छा उसने काम बंद कर दिया,
ओए ये क्या कर रहा है भाई, रोको इसको, ये तो नुकसान करवा देगा। तो हेल्पर कुछ और ही काम करने लगा भाई। तो इसको ले चलते हैं एक बार पीछे इधर को, एक मिनट, ओ भाई टेढ़ी हो गई एक मिनट। तो चलो यहाँ से लेके आता हूँ इसको। यार ये थोड़ी सी घास यहाँ पे रह गई है ना, इसको उठा लेता हूँ। तो शुरू शुरू में उसका मोवर का मुझे फोल्डर का उसका लोग उसको लो करने का पता नहीं था, तो मैंने इसको कभी भाई इस्तेमाल नहीं करा, पहली बार करा। तो हो जाती है गलती पहली बार में, कोई बात नहीं भाई, ऐसे सीखता बंदा। तो करते हैं इसको डाउन, और नीचे नहीं हुआ क्या, नीचे क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट अब हुआ। लोग यहाँ पर ये थोड़ी सी घास रह गई है, इसको उठा लो भाई, इतनी मेहनत से लगाई थी तो ख़राब नहीं करेंगे, ठीक है भाई। अब इसको ऊपर उठा लेते हैं। तो रीपर की आवाज़ भाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत तगड़ा सामान लगा हुआ है, गाड़ियाँ लगी हुई इतनी सारी, इसलिए ये आवाज़ ज़्यादा करती है। ओ रीपर रोला ना पाए ना। करते हैं इसको डाउन, ये थोड़ी सी रहती है यहाँ पर। तो 90,000 हो गई है, अब थोड़ी सी और भर के इसमें 1,00,000 कर देते हैं। ये लो इसको बंद कर देते हैं, अब इसको वापस लेके चलते हैं। मैं इसको काट के उस लाइन में लेके जाता हूँ, थोड़ी सी और उठाता हूँ, तो 1,00,000 से ज़्यादा तो उठाएगी नहीं। तो यार मैं भूल गया, मुझे ध्यान तो था यार, कुछ बढ़ाने की कैपेसिटी बढ़ानी थी, लेकिन मुझे ध्यान मतलब बाद में ध्यान आया जब मैंने गेम ऑन कर ली थी। और एक बार गेम ऑन करने के बाद भाई कुछ नहीं हो सकता, फिर तो गेम दोबारा ऑन करनी पड़ती है। चलो कोई बात नहीं, अगली बार करके रखूँगा। तो भाई लाल और ट्रॉली और गोल्डन, हल्की सी गोल्डन है, पीले से रंग की है, और दूसरी ट्रॉली तो भाई ज़बरदस्त है, लाल और गोल्डन भाई, इतना बढ़िया कलर है उसका कि भाई पूछो मत। तो ये चलो भाई अपना घास काट देगा, बाद में देखते हैं, घास इतनी सारी उठानी भी है अभी, तो उसको मैं बाद में उठा कर डालूँगा। रीपर अपने पास है ही है, बहुत बढ़िया वाला इंडियन रीपर महिंद्रा का। लो भाई 1,00,000 हो गई, इसको बंद कर देते हैं, और एक बार मैं ट्रॉली को हटा दूँ थोड़ा पीछे करके, भाई ट्रॉली को हटा देते हैं, रीपर को यहीं पे छोड़ देते हैं। एक मिनट, रीपर थोड़ा साइड में करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ट्रॉली के आगे जगह चाहिए खाली, तो रीपर थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भाई अगर रीपर बिल्कुल ट्रॉली के आगे होगा तो ट्रॉली के साथ ट्रैक्टर अटैच नहीं होगा। अब ले चलते हैं अर्जुन को वापस। ये अभी अर्जुन 555 DI पावर वाला, इसमें बहुत पावर है। ओ भाई देखो ट्रॉली को हिला दिया इसने। तो अब चलता हूँ उस मोड की तरफ, जो हेयर ड्रायर का मैंने मोड लगाया उसके अंदर वुड चिप नहीं जा रहा यार मेरा, मैंने सुबह से काफ़ी ट्राई करी लेकिन घुसा नहीं। तो हो सकता है उसमें पहले घास डालनी पड़े तो जाए। तो इसके अंदर मुझे डालनी है घास यहाँ से, तो यहाँ से जाएगी भाई घास, देखते हैं इससे लोड हो जाएगी। एक मिनट, एक, अरे यार छोटा करो, क्या हो गया भाई, क्या फंस रहा है पीछे, भाई सीधा कर लूँ एक बार। अच्छा अच्छा ट्रॉली थोड़ी सी फंस रही है, कोई बात नहीं, आ जा आ जा, डाल दे इसमें घास। ओ यार ट्रॉली ज़्यादा ही बाहर, ट्रॉली फंस रही है, ओके ओके ओके, गलत ले आया भाई, थोड़ा सा बाहर को लेके जाना, थोड़ा दूर करना पड़ेगा। ओके अब ठीक है, ले आगे। तो इसके अंदर देखते हैं जाती है घास, नहीं भाई ऑप्शन ही नहीं आ रही, इसको ऑन करना पड़ेगा क्या, एक मिनट। यार इस मोड में भी गड़बड़ है, पता नहीं ये यहाँ से क्यों घास नहीं जाती, एक मिनट, इसमें आर दबा के इसको, भाई ऑटो स्टार्ट है ये, ऑन है, ठीक है ऑन तो है, और ये इसमें घास जहाँ क्यों नहीं रही भाई, पिछली बार वुड चिप भी बड़ी मुश्किल से गई थी। तो मुझे लगता है इस मोड को हटा के हमें हे खुद ही बनानी पड़ेगी, हे बना लेंगे यार, हे बनाने में क्या टाइम लगता है, हे बनाने में कुछ मंत्र थोड़ी पढ़ने। तो यहाँ से डाली थी मैंने पिछली बार, वुड चिप भी बड़ी मुश्किल से गई थी यार, चल भाई चल डाल ले भाई, ले ही नहीं रहा ये, तो कुछ गड़बड़ है यार इस मोड में, मैंने तो सिर्फ कैपेसिटी बढ़ाई है, तो ये क्या गड़बड़ कर दी। तो ऐसे ही मैंने सुबह इसमें वुड चिप डालने की कोशिश करी थी बहुत, लेकिन भाई वो गई नहीं, अब हो सकता है ऐसे ना जाके ऐसे जाए,
एक मिनट रुको भाई, इसे पीछे ले चलते हैं इसको सीधा। एक मिनट शायद उसके ऊपर जाए। एक मिनट भाई, भाई ऑप्शन तो आनी चाहिए ना घास की। भाई कुछ नहीं हो रहा इसका तो, कुछ भाई इसका तो कुछ नहीं हो रहा। ले नहीं रहा यार, ले ले भाई, क्या दिक्कत है तेरी। चलो छोड़ो भाई, कोई ऑप्शन ही नहीं आ रही। मैं तो भाई सच में इससे, इस मोड़ से दुखी हो गया। तो यार ऐसे ऐसे मोड़ बनाए हैं यार, क्या कहें। तो हे मेरे को मिली है अभी उसके अंदर से 60-70 हज़ार। एक बार और ट्राई करता हूँ, लास्ट बार ट्राई करता हूँ, नहीं तो फिर भाई इसको छोड़ देंगे। टाइम नहीं ख़राब करेंगे, अपना भी आपका भी। देखता हूँ एक बार और, देखो ट्रॉली उसके ऊपर बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आ चुकी है। नहीं, एक सेकेंड, एक बार इसको पीछे लेके इधर को काटने की कोशिश करता हूँ, इस तरफ को। शायद यहाँ से चली जाए भाई, जा भी नहीं रही। तो बताओ यार इसमें क्या गड़बड़ा, अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है मुझे तो बताओ यार, क्यों नहीं जा रही। कैपेसिटी बढ़ाने से दिक्कत होगी क्या मोड में। तो चलो यार इस घास को भी मैं यहीं पे खड़ा कर देता हूँ, 1 लाख। तो रीपर को बाद में मैं उठा लूँगा। इस मोड की जगह एक काम करना पड़ेगा, तो उसको हे बनाना पड़ेगा घास को। तो इस घास को भाई हे बनाना पड़ेगा पहले, फिर इसको रीपर से इससे उठा के और अपने साइलो में डाल लेंगे, है ना। क्योंकि भाई वो मोड़ तो काम ही नहीं कर रहा, उसमें पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। तो चलो अर्जुन मेरा कहाँ गया, अर्जुन को ले लेता हूँ यार एक बार। तो यहाँ पर अभी घास उठाने के बाद ही फसल लगा सकता हूँ, तो वहाँ पे लगाऊंगा मैं बाद में फसल। अभी इन ट्रॉली ट्रैक्टर को यहीं पे रहने देता हूँ, रीपर को भी पड़ा, रीपर से मैं घास बाद में उठा लूँ, अभी उसको छोड़ देता हूँ। और अच्छा भाई तेरा भी काम हो गया, अच्छा ओके। तो चलते हैं अब अपने खेतों की तरफ। तो ये काम तो भाई बाद में करने पड़ेंगे, स्वराज का काम भी ख़त्म हो गया। लो तो ये खड़ा भाई अपना स्वराज। एक मिनट ब्रेक मार भाई महिंद्रा, रुक जा भाई। तो छोटे का काम ख़त्म हो चुका है, इसको एक बार बंद कर देते। अरे इसको बंद कर दे भाई, स्वराज की आवाज़ देखो यार, बहुत ही भाई मज़ा आया था ये भाई, क्या रस घोलती भाई कानों के अंदर, ये बहुत ही बढ़िया आवाज़। और सबसे बढ़िया आवाज़ मुझे लगी है आयशर ट्रैक्टर की भाई, जेन्युइन आवाज़ जैसे भाई, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो इसको मैं अभी वहाँ पे खड़ा करके आता हूँ धोने के लिए, बाद में धोऊँगा इसको। तो भाई ये काम मैं बाद में करूँगा, नहीं तो फिर आपके सामने बहुत टाइम लगेगा। तो इसको अभी मैं बाद में धो के खड़ा कर दूँगा, तो इसको अभी कर देते हैं यहाँ पर खड़ा। ओके चल भाई, ओके। एक मिनट भाई ज़रा इसको मैं एक सेव मार देता हूँ, नहीं तो यार लाइट वाइट का कोई भरोसा नहीं होता। अब चलते हैं अपने अर्जुन में और इसके पीछे। हाँ मुझे चाहिए भाई एक प्लो। तो अब मैं खेतों को मिला के यहाँ पर चावल या कुछ और खेती कर देता हूँ ना, ताकि भाई अगली बार बेच के पैसे कमाएं कुछ। तो चलते हैं प्लो के अंदर। और मैंने लैमकन का एक प्लो, ये वैसे तो कल्टीवेटर होता है, तो इसको यार ख़रीद लेते हैं। एक मिनट भाई, बार बार ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो इसका रेट जैन्यून है 18,000 रुपये का, ही 18,000 डॉलर का। तो इसकी प्लो भाई, क्योंकि प्लोइंग बार बार करनी पड़ती है खेतों के अंदर, 3 बार फसल लगाने के बाद प्लोइंग करनी पड़ती है। तो अब चलते हैं अपने खेतों को मिलाते हैं एक बार फटाफट से। और उस मोड में कुछ दिक्कत हो गई है या क्या हुआ है मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ कैपेसिटी बढ़ाई थी और वो हेयर ड्रायर वाला मोड चल नहीं रहा। तो मैं काम करूँगा, हेयर ड्रायर का कोई और अच्छा सा मोड देखता हूँ और यार उसको लगाता हूँ, ये मोड तो फेल हो गया। तो ये है भाई अपने खेत 5, 22, 23, 24, 25, 26। तो मैं इनको बीच में से काट काट के ना सबको एक कर देता हूँ, ताकि भाई ये जब अपना काम हो तो बढ़िया सा काम करें, तो मतलब फसल लग जाए। और हेल्पर छोटे छोटे खेत काट काट के परेशान हो जाते हैं। और इसको मिलाने के लिए भाई इसको करते हैं डाउन वी से, और इसमें ऑप्शन होती है भाई वाई दबा दो तो ये खेत काट देगा। तो डाउन करके इसको चलाते हैं एक बार और ये खेत हमारी ज़मीन कट जाएगी, ठीक है। ये अपना देखो खेत मिल गया आपस में। तो एक बार इसको मिला देता हूँ मैं पहले ये यहाँ से, तो सीधा सीधा मिलाएंगे, कोशिश यही करेंगे कि भाई देखो सीधा सीधा मिले। अगर मैं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दूँगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर मुझे बाद में डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। खैर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, लेकिन थोड़ा डिजाइन मारना पड़ेगा बाद में घास का। तो अभी
अच्छा मैंने सोचा था कद्दू भी करूँगा इसमें, लेकिन इस फील्ड में कद्दू नहीं होगा, पानी का सिस्टम नहीं है, तो पानी वाला सिस्टम वाला खेत कोई हो तो वो लगाना पड़ेगा जिसमें हम कद्दू शद्दू कर सकें। खेत खेत को कद्दू करने के लिए पानी होना चाहिए उसके अंदर। तो भाई अब चलते हैं बिल्कुल सीधा सीधा, इसको कर लेते हैं ऐसे और इसको कर लेते हैं डाउन और क्रूज मोड ऑन कर लेंगे तीन, ताकि भाई आराम से काम हो। और इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, छोटा कर लेना मतलब अगर जब खेत में लाओ तो प्लो भी करना है, वैसे तो इसको प्लोइंग की भी ज़रूरत है। तो थोड़ा मोड़ा इधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है यार, हल्का फुल्का भाई बिल्कुल सीधा सीधा नहीं चलता। अब इसको उठा लेंगे ऊपर, तो इसकी प्लोइंग मैं बाद में करूँगा खेत की, इसकी इनको प्लोइंग की भी ज़रूरत है। ओके इसको मिला देंगे ऐसे, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इसको बाद में सेट कर लेंगे। बस भाई अगला खेत, एक मिनट, अच्छा बस यहीं तक है भाई, अगला खेत किसी और का है। अब चलते हैं उस कोने पे चलता हूँ मैं, पहले उसको मिलाता हूँ वहाँ से चलते। तो पहले मैं इसके कोने कोने काट दूँगा ताकि मेरे को पहले सीधा सीधा हो जाए, उसके बाद जो बीच में प्लोइंग है मैं उसको करूँगा। तो इन खेतों को प्लो भी करना है क्योंकि ये प्लोइंग मांग रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर प्लोइंग होने वाली है, ये काफ़ी टाइम से प्लो नहीं हुए। तो इसको पहले कर लेते हैं बस सीधा थोड़ा सा, और ये हल्का सा इधर ठीक है, कर लेते हैं भाई डाउन और चलाते हैं इसको बिल्कुल सीधा सीधा करके। तो एक भाई पूछ रहा था खेत कैसे मिलाते हैं, तो भाई ऐसे मिलाते हैं खेत, अगर वाई की ऑप्शन नहीं दबाओगे तो खेत प्लो हो जाएगा लेकिन फील्ड आपस में मिलेंगे नहीं, तो खेत को मिलाने के लिए इसको नीचे करना पड़ता है। तो ये गेम में होता है, असली ज़िंदगी में तो आप खेत को मिलाना हो कुछ करना हो तो उसको सिर्फ नीचे करना पड़ता है प्लो को। लो भाई काफ़ी बड़ा है भाई, 16 मीटर का प्लो है, तो मुझे मेरा फेवरेट प्लो है भाई ये, सबसे बढ़िया प्लो यही लगता है मेरे को लैमकन का। तो खेत मिलाने में कितना टाइम लगा भाई, 5 मिनट भी नहीं लगे। तो अब मैं कम से कम कुछ अपना यहाँ पर भाई खेती बाड़ी करके कुछ और तो काम कर सकता हूँ। तो अब तो अपना रीपर भी आ गया तोड़ी वाला भाई, अपना उससे भी काम करेंगे बढ़िया यहाँ पे। अभी तो मुझे और भी ट्रैक्टर वगैरह ख़रीदने हैं, ठीक है भाई। अब देखो तो ये थोड़ा सा वहाँ से गड़बड़ है, नहीं ठीक है। तो यहाँ पर मुझे प्लोइंग भी करनी है, अगर देखें ऐसे तो ये देखो ये खेतों की ये भी प्लो मांग रहा है, देखो इसकी प्लोइंग भी करनी है, ये भी इनकी भी प्लोइंग करनी है, और यहाँ पर लैम भी डालनी थी, यहाँ पर भी लैम डालनी थी, तो लाइम डालेंगे बाद में। तो अब मैं काम करता हूँ वाई दबा के इसको बंद करके, नहीं अभी नहीं, अभी पहले खेत जो बीच में रह गया भाई इसको भी तो मिलाना था। अब देखता हूँ ये इतना चौड़ा है कि एक बार में काट देगा इसको मिला देगा, या मुझे दो बार चलाना पड़ेगा, शायद दो बार चलाना पड़ेगा भाई। हाँ छोटा है प्लो, तो प्लो का साइज़ थोड़ा सा और बड़ा चाहिए था, तो पीछे करता हूँ एक बार, बस भाई ज़्यादा पीछे आगे कर थोड़ा सा, ठीक है भाई दो बार चलाना पड़ेगा यहाँ पे। तो बस वी दबा देते हैं और तीन दबा दे क्रूज मोड ऑन कर देते हैं, ठीक है। ये खेत देखो ये 22 और 23 नंबर एक हो गया, ठीक है एक लाइन और चलानी पड़ेगी। तो अपने पास अब काम है घास उठाना है, हे बनानी है, यहाँ पर इसको मिला के यहाँ पर फसल लगानी है, कोई ओट अपनी लग चुकी है, और एक मैं लगाऊंगा चावल और एक लगाता हूँ कोई और फसल, प्याज या गाजर या गन्ना कुछ भी, गन्ना तो लगा दिया खैर, अब लगाते हैं गाजर या कुछ और जो इसमें फसल होगी। चल भाई भाई प्लो बहुत हैवी है, घूमने में बहुत टाइम लगता है। तो अभी इसके अंदर फसल कौन कौन सी बची हैं, मतलब बहुत सारी फसल है वैसे तो भाई, चावल है, ब्लैक बीन है, कैरेट है, ओनियन है, देखो ये सोरगम भी है, होप्स भी है, चेरी भी है, तो चलो ये फसलें इनमें से कोई भी लगा देंगे। तो ये हो गया भाई अपना फील्ड, ये लो भाई। तो ये वाला खेत तो मैंने मिला दिया, वैसे ही मुझे उनको मिलाना है, और उसके बाद भाई मेरे को इनके ऊपर फसल लगानी है, इसको पूरे खेत को भी मुझे प्लो भी करना है, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो चलो एक काम करते हैं, इस एपिसोड को, इस पार्ट को, ये 5वां पार्ट है, इसको यहीं पर रोक देता हूँ मैं अभी। और तोड़ी वाले रिपर मैंने आपको मेन दिखाना था, इसमें कनाडा के अंदर भाई हम रिपर और अर्जुन स्वराज लेके आए हैं, और धीरे धीरे करके अभी बाकी ट्रैक्टर भी लाएंगे, आयशर वाइशर, और भाई जब हम थोड़े अमीर हो जाएंगे तो मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी कारें भी हैं मेरी नज़र में, तो उन गाड़ियों को भी खरीदेंगे, कावासा की निंजा बाइक भी है यार, उसको भी चलाना है। कद्दू तो इस खेत में नहीं होगा, कद्दू के लिए कोई अच्छा सा खेत है तो मुझे बताना उसका नाम, मैं उसको डाउनलोड करके फिर आपको कद्दू करके दिखाऊँगा उसमें।
चलो दोस्तों इसको यहीं पे रोकते हैं, ये था आज का गेम प्ले कनाडियन प्रोडक्शन मैप का पांचवा पार्ट। कैसा लगा भाई आपको बताना कमेंट लाइक करके। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज हमने कमाए थोड़े से पैसे, लेकिन फटाफट कमाएंगे अगली बार जब भाई अपने जानवर वगैरह बड़े हो जाएंगे। तो अभी देखें तो थोड़ा थोड़ा खाना कम हो रहा है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं है, अभी काम चल जाएगा। लेकिन अगली बार भाई इनके लिए मुझे फसल तैयार करनी पड़ेगी, तो ओट अगली बार काट के घोड़ों को खिलाएंगे और गाय को भी, और गायें बढ़ाएंगे थोड़ी सी और। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस गेम के प्ले के बारे में जो भी कहना है कमेंट लाइक करके जरूर कहना। और भाई अगर आप नए आते हो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर देना यार जल्दी से, मतलब अगर आप पहली बार आए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके जाना यार, क्योंकि सब्सक्राइबर की बहुत ही ज़रूरत होती है, आप लोगों की वजह से हमारा चैनल चलता है। थैंक यू भाई जिसने सब्सक्राइब किया अभी तक, उन सभी का दिल से शुक्रिया भाई। चलो दोस्तों बहुत बातें होगी, बाय बाय।